एक्वास्टार नहीं है क्या? कर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये DSS डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज का ये गाड़ी है। लोगों भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ड्राइवर जो है वो नशे में धुत है। और देखिए, ये स्पॉट में आपको बताता हूँ, ये शालीमार बार के यहाँ पर है। और सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी का नंबर AN01। ड्राइवर इतना नशे में धुत है कि उसे वो ही नहीं पता कि वो है कहाँ पर। नाम क्या है भाई आपका? हाँ, नाम क्या है आपका? हाँ, नाम क्या है? आप अभी कहाँ पर है? आप क्या किया? आप क्या पिया और अभी क्या किया है आप? हाँ, आप दारू के नशे में इतने धुत है और आपने एक्सीडेंट कर दिया है यहाँ पर। देखिए आप ड्राइवर की हालत देखिए। देखिए बराबर ये शालीमार बार के सामने ही है। और कुछ डिपार्टमेंट के स्टाफ भी कुछ आ चुके हैं जो उन्हें जो है उतार रहे हैं। देखिए आप पहले तो फुल ये नशे में है, और जो लोग उन्हें समझा रहे हैं उल्टा ये उनसे ही उलझ रहे हैं। आप अभी कहाँ पर गाड़ी चला के आया? आप कहाँ गाड़ी चला के आया? कहाँ गाड़ी चला गया है? कहाँ गाड़ी चला गया है आप? देखिए कैसे यहाँ पर नशे की हालत में वो जो है चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, और वो जो है गाड़ी में बैठने को राजी नहीं है, उल्टा पुलिस वालों से ही उलझ जो है जो बंदा जो जो ड्राइवर है वो उलझ रहा है। अरे हम चला लेंगे बोलता ना भाई, तुम इतना चलाया बहुत है भाई। अंदर बैठा है ना? तो जैसा हमने दिखाया गाड़ी का नंबर और ये है गाड़ी का ड्राइवर, हालत देखिए। गाड़ी का नंबर है E00777। और नमस्कार अनुसार तक में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं दिलानीपुर के यहाँ पर शालीमार बार के सामने। हम आपको भाई ये बता दें कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, और जब यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था तो ड्राइवर जो है
वो नशे में धुत था। ड्राइवर ये कोई और नहीं, हम आपको ये बता दे, DSS डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज का वो गाड़ी था जिसमें शायद उनके जो जितने भी बड़े अधिकारी है वो उसमें आवाजाही करते हैं। तो ड्राइवर नशे में फुल धुत था और वो आकर सीधे ये गाड़ी में मार दिया। देखिए यहाँ पर जो है ये बंदा यहाँ पर काम कर रहा था, तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उन्होंने देखा है इस एक्सीडेंट को, तो हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं आखिर ये हुआ कब। आपने जब ये एक्सीडेंट हुआ था आपने देखा था, आप बताइए। भाई देखो, अभी ये पंचर बना रहा था गाड़ी का, वो तो नशे में एकदम फुल दुखता है एकदम, उसको तो होश ही नहीं है, वो क्या कर रहा है उनको नहीं पता है, बट आया सीधा मार दिया। जो बंदा बैठा था जो टायर खोल रहा था वो उठ के भागा, वरना उसको दबा देता, उसको लेके गाड़ी में दबा देता था। आप लोग जब उस व्यक्ति को उठाने का कोशिश कर रहे थे तो वो व्यक्ति जो है वो तमिल में गाली दे रहा था, जो ड्राइवर था वही गाली गलौज करता है, उसको होश ही नहीं है, उसको सब डिपार्टमेंट गाड़ी चलाने दिया, वो तो फुल पी के टाइट है। आज गाड़ी में टोका कल दूसरा कितना का जान ले लेता था, अगर यहाँ नहीं कुछ होता तो वो और किसी को जान ले सकता था वो और भी, बट यहाँ में छोटा में एक गाड़ी में मार के ठोक के रुक के बस उसको होश ही नहीं है, वो तो गाड़ी में सो गया है। जब हम यहाँ पर आए हमने खुद ही देखा, हम उसे मतलब पुकार रहे हैं लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। आखिर इसमें जो है देखिए किसी की जान भी जा सकती थी, और गाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन गए तो क्या हुआ, गाड़ी कोई डिपार्टमेंट गए तो क्या हुआ, वो क्या कुछ भी करेगा। यही जगह अगर एक कॉमन पीपल रहता, हम जैसे एक आम इंसान रहता, तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा अभी यहाँ पर ड्रामा हो चुका होता, वो आदमी अभी यही से अरेस्ट हो चुका होता। आपको क्या लगता है, मतलब हम जैसे लोगों के लिए अलग सरकार है और उन जैसे लोगों के लिए अलग कानून है, राइट? कानून तो सबको एक ही होना चाहिए, बट यहाँ वैसा होता नहीं है। अभी उनको ताना लेके गया हुआ है, बस उनसे तो बात कर ही नहीं सकते क्योंकि वो इतना पिया हुआ है, यही हम कहेगा। बट ऐसा पीने वाला इंसान को डिपार्टमेंट गाड़ी भी देता है चलाने को उससे, बट वो रास्ता में कितना मासूम बच्चे का जान ले लेगा ऐसा आदमी को गाड़ी देना नहीं चाहिए। पहला बात बता दे, टाइम हो चुका है अभी जो है डेढ़ बज रहे हैं, करीबन 1 से 1:15 के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ था, राइट? बिल्कुल। और इस समय जो है स्कूल भी छुट्टी होता है, और इसके जस्ट बगल पर है दिलानीपुर स्कूल, तो यहाँ से करीबन 4 कदम पे है दिलानीपुर स्कूल। तो हम आपको ये बता दें यहाँ पर और भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी, या वो जो व्यक्ति था वो जितने भी मासूम बच्चे हैं उन सबको वो मार सकता था अपनी गाड़ी से, क्योंकि जब उन्हें देखा गया तो नशे में वो काफी दूर है, उन्हें होश ही नहीं है कि वो है कहाँ पर। जब लोग उन्हें उठाना शुरू करे तो वो उल्टा उन्हें ही गालियां दे रहा था तमिल में, और जब पुलिस आई वो पुलिस के साथ ही कॉर्पोरेट नहीं कर रहा था। पुलिस यहाँ पर तुरंत जो है पहुंच गई, लेकिन वो पुलिस के साथ ही कॉर्पोरेट नहीं कर रहा था, वो ये मांग कर रहा था कि गाड़ी वो खुद चला के जाएगी। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो इसको बख्शना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वैसा आदमी को तो भाई हम तो बोले कितना बेरोजगार है यार, जो अच्छा इंसान है उनको नहीं मिल के इस तरह पियक्कड़ लोगों को डिपार्टमेंट जगह देता है, वैकेंसी देता है गाड़ी चलाने को। कितना बच्चा है जो पढ़ लिख कर ऐसे ही घूम रहा है बेरोजगार, उनको नहीं मिलता, इन लोगों को जो पी के घूमने वाला है इनको देता है नौकरी, और बच्चों का जान लेना, ये अगर ये हादसा अगर यहाँ पे अगर ये हादसा नहीं होता तो ये पक्का आज किसी ना किसी का जान लेते ही लेता 100%, क्योंकि वो होश में ही नहीं है। वैसा आदमी को निकाल देना चाहिए हम तो बोले, उसको पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो जैसा हम आपको बताए थे यहाँ पर जो लोग मौजूद थे इन्हीं लोगों ने हमें कॉल करके बताया था, और तुरंत हम यहाँ पर पहुंचे, और पहुंचकर जब हमने यहाँ का नजारा देखा तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा है वगैरह वगैरह, हर न्यूज में ऐसा कमेंट्स आता है, लेकिन आज देखा आज ड्राइवर खुद ही नशे की हालत में जो है सो रहा है, वो भी ऑन ड्यूटी, और गाड़ी भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के। और हम क्या कहें, बस जो है यहाँ पर PS अबडीन की पुलिस यहाँ पर पहुंच गई थी, और वो लोग जो है उन्हें अभी यहाँ से पुलिस स्टेशन ले गए हैं। इसकी आगे का अपडेट भी हम आपको देंगे, क्योंकि देखिए अगर ये चीज कॉमन मैन के साथ होता है तो उनके ऊपर जो है कई धाराएं लगाकर उन्हें उन्हें जो है पुलिस कस्टडी में लिया जाता है या उनके ऊपर चलान किए जाते हैं। देखिए पुलिस अपना काम बराबर कर रहा है, पुलिस को हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जिस डिपार्टमेंट का है कहीं ना कहीं इस डिपार्टमेंट का भी प्रभाव इसमें पड़ेगा, हमें ये चीज पता है, क्योंकि हम ऐसे न्यूज हम हमेशा कवर करते हैं।
तो लेकिन इस डिपार्टमेंट का है करके इसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये ड्यूटी की हालत में जो है नशे में था, इसमें ये किसी की जान भी ले सकता था। ये नशे की हालत में ड्यूटी में था और इसमें ये किसी की जान भी ले सकता था, और ये ऐसा ना हुआ ये बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन इसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन महेश रन के साथ न्यूज आप तक, नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।